चलो 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 फिर नहीं। बैठो शांति से बैठो, चलो बैठो बैठो। हाँ वेरी, अभी पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करने दो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर उसके बाद तुम तबाही मचाना। पौधे में पानी डाल रहे हो, बहुत गलत बात है रायकनार। फाइनली दमन में रायकनार आ गया है, ये दूसरा बार, सेकेंड टाइम। रायकनार तुमको दमन पसंद है ना? उसको दमन पसंद है क्योंकि उस समय वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते मिले थे। दोस्तों दमन के बारे तो आपने सुना ही होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार के द्वारा जिनका कंट्रोल होता है, भारत सरकार के द्वारा, जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पांडुचेरी हो गया, तो ये सब यूनियन टेरिटरी में आते हैं, मतलब केंद्र प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी हम लोग दमन आए हैं दोबारा, और हम लोग स्कूटी से कहाँ कहाँ ने भारत घूम लिए हैं, तो अभी इस बार बाइक से आया हूँ। धीमी बारिश हो रही है और काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। छोटा सा प्रदेश है दोस्तों, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हो, इसमें फोर्ट है, इसमें आप बहुत खूबसूरत सा चर्च है, लेक है, और बहुत सारे एडवेंचरस है, बैठने की जगह है, अच्छे रिसॉर्ट हैं, तो यहाँ पर आ सकते हो। और बहुत सारे लोग यहाँ ड्रिंक करने भी आते हैं क्योंकि गुजरात में बैंड है। हम लोग सुबह से भींगते हुए हैं, जैसे ही गुजरात बॉर्डर पहुँचे तो वैसे ही हल्का धूप दिखना चालू हुआ, और फिर से गुजरात वापस से हम लोग दमन आए तो यहाँ फिर से हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है। प्यारागढ़ रोड के बगल में गाड़ी का नंबर है यहाँ पे DD, दूरदर्शन मत समझ लेना। बहुत यूनिक सा प्लेट नंबर है यहाँ। अभी देखो क्रूज मोड में गाड़ी स्टार्ट है, आप क्रूज मोड में गाड़ी स्टार्ट करके आधा घंटा में ही पूरा दमन घूम सकते हो। इंजॉय करना है तो खैर उसके लिए तो आपको दिन भर रुकना पड़ेगा। बाइक पे जब हम लोग या स्कूटी पे चलते हैं तो हम लोग बहुत अद्भुत प्राणी दिखते हैं, मतलब सड़क पे लोग बहुत देखते हैं घूर करके। शुरू में ऑकवर्ड लगता था बट अब आदत सी हो गई है। दोस्तों जैसे ही वापिस से एंट्री किया, मतलब जैसे गुजरात का जो मेन हाईवे से है तो वहाँ से वापिस से कट मारना पड़ता है। इतना काफ़ी ज़्यादा कारखाना था वहाँ दोस्तों, इतना काफ़ी मतलब बदबू आ रहा था, पॉल्यूशन इतना सारा था कि कैसे कैसे मैं अभी दमन की तरफ बढ़ाऊँ तो धीरे धीरे कम पॉल्यूशन हो रहा है, बट यहाँ भी हल्का हल्का महसूस हो रहा है। तो बरसात में डॉग्स को बहुत खुजली होती है। तो ये है हमारा दमन। वाह बहुत साइलेंट लग रहा है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है, क्या बात है, वाह दैट्स ग्रेट। आई थिंक पैराग्लाइडिंग नहीं हो रहा होगा अभी क्योंकि इतनी बारिश है, गाड़ी तो चलेगी नहीं। हम लोग जब दोस्तों ट्रैफिक से गुजरते हुए, भीड़ भाड़ से गुजरते हुए ऐसे जगह पहुंचते हैं ना जहाँ बहुत शांत महसूस होता है, तो हम दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है। रायकनार को भी बहुत मज़ा आता है, उसको भी बहुत अच्छे वाइब्स मिलते हैं, देखते हो कितना एक्साइटेड रहता है और बहुत ध्यान से देखता है कि क्या है नहीं है। चलो बाय, ख्याल रखना, सेफ ट्रैवल। जो नहीं कहीं कह दो।
इतना गाड़ी है देख करके, आराम से आराम से आराम से। आईफोन कनेक्ट है, इधर आओ, चलो गाड़ी इधर आओ, इधर आओ। रैगनर जंप, वाह पौधे में पानी डाल रहे हो, बहुत गलत बात है रैगनर। कितने नज़ारों का आनंद लेगा रैगनर, चलो अब होटल ढूंढना है, कहीं रहना है। रैगनर कम, रैगनर कम, ए हीरो रैगनर कम, यहाँ चढ़ सकते हैं इस पे सूज पहन के। ओके चलो उधर उधर रैगनर इधर, नहीं 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 नहीं, चलो 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 उधर, नहीं नीचे नीचे, चलो 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 फिर, नहीं यार शिट यार, तुम नीचे क्यों उतर गया यार, अपना मन का मालिक है भाई, इसको बोल रहे सीधा तो सीधा नहीं चला। अब छोड़ दूंगा तो इसकी हवा टाइट हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा ना, ओ माय गॉड, गंदा मत करो यार। कहाँ से आएगा, जगह नहीं है। देखते हैं खुद से कैसे आता है, बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है ये, माँ कसम। देखो रैगनर इधर 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 इधर, अरे अरे पानी में, चलो भाई बाहर निकलो, हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो यार। इसको चमक छल्लो जैसा करते रहता है कभी कभी ना, तो मेरे को गीला मत कर यार, तू गीला मत। Cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. आज दिन भर हम लोग भीगे हैं, बाबा रे बाबा। रैगनर तो खैर ये रेनकोट पहना तो ये भीगा ही नहीं, बहुत अच्छा रेनकोट है इसका, ये वाला अंदर से पूरा गर्म रहता है और ऊपर से रेनकोट का काम करता है। रैगनर तो भीगा नहीं है। और अभी हम लोग दमन से आए, दमन घूम के सुबह से भीग रहा हूँ, मुंबई से जब से निकला हूँ।
और ये देखो होटल है, होटल रॉयल स्टे एसी रूम्स। तो गुजरात का पहला शायद वलसाड सिटी में आई थिंक, मैं कंफर्म कर दूंगा। तो वही अब रैगनर रोड में नहीं, चलो इधर आ रैगनर, पैर गंदा मत करो यार, एक तो भी होटल जाना है आपको। तो यहाँ पे गुजरात में आया हूँ तो भाई सामान उठाने के लिए आ गए होटल रॉयल स्टे से। गुजरात में यार, गुजरात मेरे को ना पूरा भारत में एक ऐसा जगह लगा गुजरात जहाँ पे डॉग्स के लिए बहुत लोग फ्रेंडली हैं, मतलब बहुत लोग प्यार करते हैं डॉग्स को। यहाँ पे काफ़ी सारा फैन फॉलोवर से चाहने वाले रैगनर के, देखो पूछ हिलाते हुए एकदम, क्या बात है। उसको पता चल जाता है कि अभी मतलब होटल में आ गए। कहाँ लगाना है ब्रो गाड़ी, गाड़ी कहाँ लगाओ, वहाँ पे हो, ठीक है। कुछ हमको एक हाथ में दे दो और दो, एक सामान और आ जाएगा, कोई छोटा वाला दे दो, वो दे दो, हाँ ये दे दो, और एक जैकेट भी है ना, एक सेकेंड। और कुछ नहीं, बस हो गया जैकेट था। चलो रैगनर, ओ हीरो, अरे कितने छोटू सा लिफ्ट है। अच्छा अच्छा, आप भी होटल वाले हैं, अभी हम हमको लगा आप बाहर में रहते हैं, आप गाड़ी वाड़ी देखने वाले। अभी आपका सीट, अरे रुको इधर आओ, पूछ दबेगा इधर आओ कोना में, इतना सारा सामान है ना। अब अपन होटल रॉयल स्टे आ गए हैं। ये वीडियो में ज़्यादा नाम हटा दूंगा अगर भैया रेट कम नहीं देंगे तो। वो तो जाहिर सी बात है, वैसे ही है। रैगनर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, कोना में बैठो, चलो अभी पहले बैठो, शांति से बैठो, चलो बैठो बैठो, हाँ वेरी, अभी पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करने दो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर उसके बाद तुम तबाही मचाना। रूम बस साफ सुथरा होना चाहिए, डॉग को देख करके गंदा मत देना, ये खुद साफ रहता है, ये नीचे बैठ जाएगा एक जगह, फिर कोई इशू नहीं है। अभी बरसात का टाइम है वरना ये तो पूरा साफ ही रहता है। रुको अभी रुको, पहले अभी चाबी आने दो। अरे वहाँ क्यों रख दिए, बोले गंदा है बैग यार।